Assalamualaikum, hello my YouTube family, welcome back to my channel SQ Food Blogs. आज की हमारी रेसिपी है मसूर की दाल. मैंने यहाँ पर एक बाउल अक्खी मसूर की दाल ली थी. इसको तकरीबन 15 मिनट से मैंने भिगो कर रखा है, क्योंकि मैं कुकर में बनाने वाली हूँ तो इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आराम से गल जाएगी. यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के मैंने ऑनियंस लिए थे, इनको चॉप किया इस तरह से. एक बड़े साइज़ का ऑनियन लिया था, उसको स्लाइस कट किया है. एक बड़े साइज़ का टमाटो, उसको चॉप किया है. चार हरी मिर्च ली है मैंने, अपने हिसाब से लिया है. अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं. दो अदरक तेज़पत्ता लिया है. यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ली है सूखी वाली. 1 टेबलस्पून राई, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा. कड़ी पत्ता लिया है मैंने, इसको अच्छी तरीके से धो के सुखा लिया है कड़ी पत्ते को, फिर यूज़ किया है. यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है. बाकी के जो भी मसाले होंगे मैं वो कुकिंग के साथों साथ आपको बताती जाऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने कुकर में ऑयल ले लिया है. अब पहले हम तेज पत्ता ऐड करेंगे और इसमें से हम आधा सीरा ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि आधा जो है वो मैं जो हम इसके तड़का देंगे उसके लिए रखेंगे. इसको थोड़ा सा चटकने देंगे, फिर हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे. अब इसमें हम हमारी चॉप ऑनियन जो है वो ऐड कर देंगे. ऑनियन को हमें हल्का लाल होने देना है, इसको थोड़ा सा हल्का लाल होने के लिए हम छोड़ देते हैं. ऑनियन थोड़ी लाल हो रही है जब तक हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे. इससे अदरक लहसुन की पेस्ट की स्मेल भी चली जाएगी और साथों साथ हमारा ऑनियन है वो भुन भी जाएगा अच्छे से. हमारी ऑनियन जो है वो हल्की लाल हो गई है. अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें जो थी वो इसमें ऐड कर देंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए. अब इसी में हम हमारे जो मसाले हैं वो ऐड कर देते हैं. मैंने 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डाली है. आपको तीखा पसंद है आप ज़्यादा ले सकते हैं. 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला. सॉल्ट आप ऐड कीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. अब इन मसालों को थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ देंगे. इसको बीच में चेक करेंगे, अगर ये जलने लगेंगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे. अभी तो जैसे टमाटर है इसमें तो ये भुन जाएगा अच्छी तरीके से. थोड़ी देर में चेक करके इनको थोड़ा भुनने देते हैं. ये देखिए अभी मसाला ड्राई हो रहा है, तो मैं बिल्कुल आधे से भी कम पानी इसमें ऐड करूंगी, थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा मसाला जले नहीं और वो अच्छी तरीके से भुन जाए. इसको थोड़ी देर के लिए भुनने देती हूँ, छोड़ देते थोड़ी देर के लिए. हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया. अब हम इसमें ये जो दाल हमने भिगो के रखी थी ये ऐड कर देंगे. अभी मैंने पानी नहीं ऐड किया है, पहले मैं इसको मसाले में मिक्स कर देती हूँ. अब इसमें इतना पानी लेना है कि हमारी दाल जो है वो अच्छी तरीके से भीग जाए. मैं इसमें 2.5 ग्लास वाटर ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने एक कटोरा दाल ली थी और मसूर की दाल जो ऐसी होती है ये गाढ़ी होती चली जाती है, जैसे जैसे ठंडी होती है. 2 ग्लास ऐड किया, अभी 1/2 ग्लास, 2.5 ग्लास ऐड किया है मैंने. अगर बाद में भी अगर कुछ कम पड़ जाए तो हम पानी गर्म करके ऐड कर देंगे. इसमें 1 टेबल स्पून हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, जो ड्राई मैंगोज का पाउडर होता है, इजीली अवेलेबल होता है मार्केट्स में.
ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं। इससे जो दाल में थोड़ी सी एक कड़वाहट सा टेस्ट आता है जो मसूर की दाल में, वो नहीं आता। दाल में एक अच्छा सा थोड़ा सा खट्टापन और तीखापन आता है जो बहुत टेस्टी लगता है। इसको तेज आंच पर रखना है एक बॉईल आए तक, उसके बाद हम ढक्कन लगा के इसको 7 सीटी आए तक रखेंगे। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब मैं फटाफट से इसको ढक्कन लगा देती हूँ और फ्लेम थोड़ी वो मीडियम कर देती हूँ, और 7 सीटी आए तक मैं इसको रखती हूँ। ये देखिए हमारी दाल रेडी हो गई है। मैंने पूरी 7 सीटी आने दी थी, उसके बाद में जब कुकर ठंडा हो गया फिर मैंने इसको ओपन किया है। ये देखिए मैंने थोड़ी पतली रखी ताकि ये राइस के साथ में खाने में आसानी हो। अगर आपको चाहिए तो आप इसको इस पॉइंट पर और अच्छे से पकाकर इसको ड्राई कर सकते हैं, अगर आपको ड्राई चाहिए तो। अब मैं इसका तड़का रेडी कर लूँ। मैंने पैन में ऑयल ले लिया है थोड़ा सा तड़के के लिए। अब इसमें सबसे पहले मैं ये जो लहसुन मैंने कट करके रखे थे ये ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये लाल होने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरी लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, रेड हो गए। अब इनके ऊपर मैं ऑनियन डाल देती हूँ। के साथ ही जो लाल मिर्च थी वो ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा ऑनियन हल्की रेड हो जाए तो मैं बाकी की चीजें भी इसमें ऐड कर दूंगी। ऑनियन का भी कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हींग ऐड कर दूंगी, और ये जो बाकी के मेरे जीरा और राई और कड़ी पत्ता है ये भी ऐड करूंगी। इनको मैंने बाद में इसलिए ऐड किया है क्योंकि जीरा और राई वो फटाफट से लाल हो जाते हैं, तो इतनी देर तक अगर मैं रखूँ ये पहले ऐड करके तो ये जल जाते हैं, फिर इनकी जलने की टेस्ट आती है। इसमें थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी टेस्ट के लिए कश्मीरी चिली पाउडर ऐड होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसको दाल में ऐड कर देते हैं। हमारी दाल रेडी हो गई है, अब हम इसको सर्व कर। हमारी अखी मसूर की दाल रेडी हो गई है। मैंने इस तरह से इसको गार्निश किया है हरे धनिए के साथ में। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।